CIET C E R T presents Trilingual Dictionary of Geography for Schools Bhugol Vidyalayon ke liye tribhashi shabd kosh ki Letter L Lagoon page 70 Lake page 70 Land breeze page 70 Landform. Page 70. Land Hemisphere. Page 71. Landslide. Page 71. Land Use. Page 71. La Nina. Page 71. Lapse rate. Page 71. Large scale industry. Page 71. Large scale map. Page 72. Latent heat. Page seventy two. Laterite soil. Page seventy two. Latitude. Page seventy two. Layer coloring. Page seventy two. Lava. Page seventy two. Leaching. Page seventy two. Leap year. Page seventy two. Lee. Page seventy two. Levy. Page seventy three. Life expectancy. Page 73. Lift system or channel. Page 73. Light industry. Page 73. Lignite. Page 73. Line graph. Page 73. Literacy rate. Page 73. Lithosphere. Page 73. Lithospheric or tectonic plate. Page 73. Loam. Page 74. Local time. Page 74. Local wind. Page 74. Loess. Page 74. Loads. Page 74. Longitude. Page 74. Loo. Page 74. Lumbering. Page 74. Now let's move to letter L of the Dictionary of Geography, starting at page 70. L. Lagoon. A shallow area of water separated from the open sea by sandbars, spits, or barrier reef. Chilika Lake on Odisha coast and backwater, Kayals in Kerala, are some examples of lagoon in India. सी ऑल्सो बैरियर रीफ लगून एक छिछला जलीय क्षेत्र जो बालू रोधिका, स्पिट या प्रवाल रोधिका द्वारा खुले समुद्र से विलग होता है भारत में ओडिशा तट पर चिलीका झील तथा केरल में जल, कयाल ऐसी ही झीलें हैं देखें प्रवाल रोधिका साहिली झील रेगी सलाखो सैंडबार्स। सीखों स्पिट्स या सदे मरजानी रुकावट के जरिए खुले समंदर से अलग पानी का उथला इलाका उड़ीसा के साहिल पर चिल्का झील और केरला का उकबी पानी कायल हिंदुस्तान में साहिली झील की कुछ मिसालें हैं मजीद सद्दी रीफ लेक अ बॉडी ऑफ रिलेटिवली स्टैंडिंग फ्लूड मोस्टली फ्रेश वाटर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड इट मे बी आई द ऑक्यूपाइंग अ नेचुरल डिप्रेशन ऑन दी अर्थ सर्फिस और अ ह्यूमन मेड फीचर सच एज अ लेक फॉर्म्ड बिहाइंड डैम गोविंद सागर झील थल से पूर्णतः घिरा हुआ एक जलीय क्षेत्र जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है झील अधिकांशतः अलवण जल ताजे जल या खारे जल से भरी होती है जो या तो धरातल पर प्राकृतिक रूप से बने गड्ढे के भर जाने से बनती है या मानवकृत होती है भाखड़ा नांगल बांध के पीछे बनी मानवकृत झील जैसे कोविंद सागर झील मुकम्मल तौर पर जमीन से घिरा हुआ ज्यादातर साफ या खारे पानी पर मुश्तमिल ठहरे पानी का हिस्सा ये या तो सतह जमीन के कुदरती नशेब में होता है मसनू होता है जैसे किसी बांध के पुष्ट में बनी झील गोविंद सागर लैंड ब्रीज अ लोकल विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल सर्फ स्कूलिंग बिटवीन लैंड एंड सी सिंस डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर बिटवीन सी एंड लैंड इज लो सो विंड स्पीड इज लो हाउ These are important in creating moderate climatic conditions in the coastal region. स्थल समीर एक स्थानीय पवन जो रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर बहती है ऐसा जल और स्थल की सतह के ठंडे होने की विभिन्न दर के कारण होता है समुद्र तथा स्थल पर तापमान तथा वायु दाब में अंतर कम होने के कारण वायु की गति धीमी होती है तटीय क्षेत्रों में जलवायविक दशाओं को सम बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है में बर्री रात में जमीन से समंदर की तरफ बहने वाली मकामी हवा जो जमीन और समंदर की सतहों के का तौर पर ठंडा होने की वजह से बहती है चूंकि समंदर और जमीन के दरमियान दर्जा हरारत और दबाव में फर्क कम होता है इसलिए हवा की रफ्तार भी कम होती है ताहम साहिली इलाकों में मतदिल आबो हवाई हालात पैदा करने में अहम होती है लैंडफॉर्म अ डिस्टिंक्ट नेचुरल कंफिग्रेशन ऑफ द लैंड सर्फिस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ इंडोजेनेटिक टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एटसेट्रा एंड एक्जोजेनेटिक दैट इज नेचुरल एंड ह्यूमन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स लैंडफॉर्म कैन बी डिवाइडेड इंटू ग्लेशियर लैंडफॉर्म एओलियन लैंडफॉर्म fluvial लैंडफॉर्म इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड by sea waves एंड करंट्स भू आकृति धरातल का एक भिन्न प्राकृतिक विन्यास जो अंतर्जनित पटल विरूपण तथा ज्वालामुखी आदि तथा बाह्य जनित जैसे प्राकृतिक और मानवीय प्रक्रियाओं की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है कारकों के आधार पर भू आकृतियों के अनेक प्रकार हो सकते हैं जैसे हिमनद, भू आकृति वायुड भू आकृति नदीय भू आकृति इसके साथ ही ऐसी भू आकृतियाँ जो सागरीय लहरों तथा धाराओं द्वारा निर्मित की जाती हैं अर्जी है यद। सतह जमीन की एक इम्तियाजी कुदरती तश्कील जो दाखिली साख्तमानी और आतिशिशानी और खारजी फितरी और इंसानी अमाल क़तों के बाहमी तफाउल के नतीजे में होती है अवामिल की बुनियाद पर अर्जी हयतों की दर्जाबंदी बर्फ से बनी अर्जी हैयत हवा से बनी अर्जी हैत, हैत दरियाई अर्जी हैतें और समंदरी मौजों और लहरों से बनी हैतों में की जा सकती हैं पेज लैंड रिफर्स नियरलीटी 85 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया भूगोलार्ध यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से संबंधित है जिस पर विश्व का लगभग पचासी प्रतिशत थल भू स्थित है अर्जी निस्फ कुर्रा इससे मुराद जमीन का शुमाली निस्फ कुर्रा है जिसमें दुनिया के कुल रकबे का तकरीबन पिच्यासी फीसद हिस्सा है landslide. The द movement मूवमेंट ऑफ रॉक्स and एंड down डाउन द हिल due ड्यू टू It इट be बी by बाय नेचुरल एजेंसीज एग्जाम्पल हेवी रेनफॉल एंड or और be बी by बाय ह्यूमन इंटरफेयरेंस भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहाड़ी ढाल से चट्टानों की मिट्टी और मलबे का अचानक नीचे की ओर संचलन खिसकना इसका कारण प्राकृतिक कारकों जैसे भारी वर्षा और भूकंप या मानव द्वारा की गई दखलंदाजी हो सकता है जमीनी खिसकाव कशिश की वजह से पहाड़ी ढलानों पर चट्टानों मिट्टी और मलबे का नीचे की तरफ अचानक खिसकना ये अमल कुदरती ताकतों के जरिए पाके हो सकता है मसलन भारी बारिश जलजले या इंसानी मदाखलत का नतीजा हो सकते हैं लैंड यूज लैंड यूज फॉर डिफरेंट सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री माइनिंग सेटलमेंट्स इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट भूमि उपयोग भूमि जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है जैसे कृषि वानिकी खनन बस्तियां उद्योग तथा परिवहन जमीनी इस्तेमाल मुख्तलिफ अराज मकासद के तहत जमीन का इस्तेमाल जैसे जरात जंगल बानी कानकनी रिहायश सनत और नकलोहमल लानना कंडीशन ऑपोजिट टू एन एल नीनो इन लानिना

अत्यधिक ठंडे जल का संचयन हो जाता है लानीना आल नीनो ला की मुखालिफ हालत लानीना में ट्रॉपी की काहिली तिजारती हवा काफी शदीद हो जाती है और वस्ती व मशरकी काहिल में बहुत ही ठंडा पानी इकट्ठा होने लगता है लैप्स रेट द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड ह्रास दर ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में होने वाली गिरावट जिस दर से होती है उसे ह्रास दर कहते हैं शरह तख्फी बुलंदी के बढ़ने के साथ साथ दर्ज हरारत की शरह में कमी लार्ज स्केल इंडस्ट्री एन इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड रिक्वायर लार्ज कैपिटल एन एम्प्लॉय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लेबर एग्जाम्पल एन ऑटोमोबिल फैक्ट्री बड़े पैमाने के उद्योग एक ऐसा उद्योग जिसमें सामानों के उत्पादन के लिए बहुत बड़ी आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है और जिसमें बहुत भारी मात्रा में पूंजी तथा बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार में रखा जाता है जैसे मोटरगाड़ी उद्योग बड़े पैमाने की सनत वो सनत जिसे अपनी अशिया की पैदावार में बड़ी बुनियादी सहूलत दरकार होती है इसमें बड़े पैमाने पर सरमाकारी और बड़ी तादाद में मजदूरों की ज़रूरत होती है मसलन मोटर गाड़ी फैक्ट्री लार्ज स्केल मैप मैप ड्रॉन ऑन अ स्केल शोइंग स्मॉल एरियाज लाइक अ विलेज और अ टाउन पार्ट ऑफ इट विद ग्रेटर डिटेल्स एग्जाम्पल अ सिटी मैप बड़े पैमाने का मानचित्र एक ऐसे पैमाने पर बना हुआ मानचित्र जो छोटे क्षेत्र जैसे गांव या कस्बे या इसके किसी भाग को विस्तार से दिखलाता हो उदाहरण के लिए एक शहर का मानचित्र बड़े पैमाने का नक्शा ऐसे पैमाने पर नक्शा नवीसी जिसमें छोटे इलाकों जैसे गांव या कस्बा या उसके किसी हिस्से को काफी तफसील से दिखाया गया हो जैसे शहर का नक्शा पेज सेवेंटी टू लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज ऑन अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फेज ऑफ अ सब्सटेंस इट इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज पर ग्राम फ्रीजिंग एंड कॉन्डेंसेशन रिलीज लेटेंट हीट मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन कंज्यूम लेट इंड हीट गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की स्थिति या प्रावस्था में परिवर्तन के समय ऊर्जा की जिस मात्रा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा मुक्त होती है यह कैलरी प्रतिग्राम में व्यक्त की जाती है हिमीकरण तथा संघनन की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है गलन तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा उपयोग में आती है नौई हरारत किसी माध्य की हालत या हैयत के बदलने के लिए दरकार या किसी माध्य की हालत या हैयत बदलने पर खारिज होने वाली तवानाई की मकदार इसे कैलोरी फी ग्राम में ज़ाहिर किया जाता है इंजिमाद और तकसीफ में नौई हरारत का अखराज होता है और पिघलने और तबखीर में नौई हरारत का इस्तेमाल होता है टराइट सॉयल लेटराइट सॉयल आर ट्रॉपिकल सॉयल्स डिवेलप्ड ऑन द लेटराइट कैरेक्टराइज बाय अ डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड नॉट यूजली ऑफ गुड एग्रीकल्चरल वैल्यू लेटराइट मृदा लेटराइट मृदा उष्ण कटिबंधीय मृदा है ये ऐसी सतह है जिसका गहराई तक अपक्षय हो जाता है और जिसमें सिलिका का निक्षालन हो चुका होता है यह मृदा कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी ट्रॉपी की मिट्टियां हैं ये ऐसे लेटेराइट पर बनती है जिनकी खसूसियत ऐसी गहरी परसूदा परत है जिसमें से सिलिका छन जाता है ये मिट्टी आमतौर पर जरात के लिए अच्छी नहीं होती लैटिट्यूड पैरल ऑफ लैटिट्यूड्स आ इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉन राउंड दी अर्थ पैरल टू द इक्वेटर अक्षांश काल्पनिक वृत्त हैं जो पृथ्वी ग्लोब के चारों ओर घेरते हुए विशुवतरेखा के समांतर आरेखित हैं अर्जुल बलद अर्जुल बलद के मुतवाजी खतूत जमीन के गिर्द खींचे गए ख्याली दायरे जो खत इस्तेवा के मुतवाजी होते हैं लेयर कलरिंग अ मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ विद द हेल्प ऑफ कलर स्पेशली इन एटलस एंड वॉल मैप्स। द कलर स्कीम इज फॉलोड यूनिवर्सली फॉर एग्जाम्पल शेड्स ऑफ ब्लू फॉर वाटर ग्रीन फॉर लो लाइंग एरियाज एंड ब्राउन फॉर हायरलैंड स्तर वर्ण उच्चावच को रंगों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि जो विशेष रूप से एटलस तथा मानचित्रों में प्रयोग की जाती है यह रंगों की स्कीम वैश्विक स्तर पर समान है उदाहरण के लिए विभिन्न छायाएं नीला रंग जल के लिए हरा रंग निम्न क्षेत्रों के लिए तथा भूरा रंग उच्चतर भूमि के लिए प्रयुक्त होता है रंगाई खासकर एटलस और दीवारी नक्शों में रंगों की मदद से जमीनी खदोखाल को दिखाने का तरीका रंगों की स्कीम को आफाकी तौर पर तस्लीम किया जाता है जैसे नीला रंग पानी के लिए सब्ज रंग नशेबी इलाकों के लिए और भूरा रंग ऊंची जमीन के लिए लावा द बॉयलिंग हॉट रॉक मटीरियल मोल्टन फॉर्म ट कम्स आउट फ्रॉम अ वोल्केनो ऑफ फिशर टू द सर्फेस ऑफ दर्थ वेर इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज लावा ज्वालामुखी या दरारों से निकलने वाला गर्म तथा उबलता हुआ चट्टानी पदार्थ पिघले रूप में जो धरातल की सतह पर आता है और ठंडा होकर ठोस रूप में बदल जाता है लावा खोलता हुआ गर्म चट्टानी मादा पिघली हुई शक्ल जो आतिश फिशा से या शिगाफ से निकलकर सतह जमीन पर आता है जहां यह ठंडा होता है और ठोस बन जाता है लीचिंग द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट स्पेशली फ्रॉम द अपर लेयर ए होराइजन ऑफ द सॉयल परकोलेटिंग सॉयल वाटर इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स निक्षालन, आर्द्र जलवायु में मृदा जल के अंत द्वारा विशेष रूप से मृदा की ऊपरी परत ए संस्तर से नमक का खिसकाव चलन लीचिंग तकतीर मरतूब आबोहवा में मिट्टी की ऊपरी परत उफक ए से मटमैले पानी के जरिए नमक का रिसना लीपियर इयर ऑफ थ्री सिक्सटी सिक्स डेज विच कम्स एवरी फोर्थ इर वेन वन डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी नॉर्मली वन ईयर इज ऑफ थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर्स टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवल्यूशन इन फोर इयर्स वन डे इज एडिशनल विच इज एडजस्ट तीन सौ छियासठ दिन का वर्ष जो प्रति चौथे वर्ष आता है जब फरवरी माह में एक दिन जोड़ दिया जाता है सामान्यतः एक वर्ष तीन दिन और छह घंटे का होता है पृथ्वी द्वारा एक परिभ्रमण में लिया गया समय चार वर्षों में एक दिन अतिरिक्त हो जाता है जो समायोजित किया जाता है लोंद का साल तीन दिनों का साल जो हर चौथे साल आता है जब फरवरी के महीने में एक दिन का इजाफा होता है आमतौर पर एक साल तीन सौ पैंसठ दिन और छह घंटे का होता है ये वो वक्त है जब जमीन एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करती है चार साल में एक दिन बढ़ जाता है जिसे हम आहंग कर लिया जाता है ली, साइड ऑफ अ हिल शेल्टर्ड फ्रॉम द प्रिवेलिंग विंड प्रतिपवन किसी पहाड़ी का वो किनारा ढाल जो प्रवाहित पवन द्वारा परिरक्षित होता है ढलान पहाड़ी का वो हिस्सा जो मुरब्बा हवाओं से महफूज रहता है हवा रुखी ढाल का मुखालिफ ढाल पेज सेवेंटी थ्री लेवी एन एलिवेटेड और रेज्ड बैंक ऑफ अ रिवर विच स्टैंड अबव द जनरल लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन तटबंध लेवी नदी का एक उठा हुआ तट जो बाढ़ के मैदान के सामान्य तल से ऊपर उठा होता है कुदरती पुश्ता नदी का एक बुलंद किनारा जो आमतौर पर सैलाबी मैदान की सतह से ऊंचा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव इन अ गिवन सोसाइटी जीवन प्रत्याशा किसी समाज में एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत वर्षों की संख्या इम्कान हयात किसी समाज में फर्द के जिंदा रहने के मुतवे बरसों की औसत तादाद है लिफ्ट सिस्टम और चैनल अ चैनल ऑफ कनेल वेयर वाटर इज लिफ्टेड एंड फोर्स टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड लिफ्ट सिस्टम या चैनल उत्थापक तंत्र एक नहर प्रणाल चैनल जहां जल को उठाया जाता है और भूमि के ढाल के विपरीत बहने के लिए प्रेरित किया जाता है इत्तिफाई निजाम या नाला नहर का वो नाला जिसमें ढलान की मुखालिफ सिमत में पानी बहने का इंतजाम किया जाता है लाइट इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स Are not heavy. Example, watch industry, textile, plastic and pharmaceuticals. हल्के उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा निर्मित उत्पाद भारी वजन नहीं होते हैं जैसे घड़ी उद्योग वस्त्र उद्योग प्लास्टिक और दवाएं हल्की सनत वो सनातें जिनके खाम माल और तैयार माल भारी नहीं होते मसलन घड़ी की सनत कपड़े की सनत प्लास्टिक और दवा की सनअो हिरफत लिग्नाइट इट इज अ सॉफ्ट लो ग्रेड ब्राउन कोल विद 40 परसेंट कार्बन कॉन्टेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट इज सुपीरियर टू पीट बट इनफीरियर टू बिटुमिनस कोल लिग्नाइट ये एक निम्न श्रेणी का नर्म भूरा कोयला है जिसमें चालीस प्रतिशत कार्बन तथा आर्द्रता की यथेष्ट मात्रा होती है ये पीठ से उच्च लेकिन बिटुमिनस कोयले से निम्न श्रेणी का होता है लिग्नाइट ये एक नर्म कम दर्जे का भूरा कोयला है जिसमें कार्बन की मकदार चालीस फीसद होती है और नमी काफी होती है ये पीठ से बढ़तर होता है लेकिन बिथ्यूमिनस से कमतर होता है लाइन ग्राफ अ स्मूथ लाइन ड्रॉन ज्वाइनिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स विच आर डिटर्मिंड बाय मीन्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस चेंज इन वन वेरिएबल इज शोन विद रेफरेंस टू अनादर इट इज जनरली यूज फॉर रेप्रेजेंटिंग डेटा रिगार्डिंग रेनफॉल टेम्परेचर ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन प्रोडक्शन एट्सेट्रा लाइन ग्राफ एक समरेखा जो बिंदुओं की श्रृंखला को जोड़ती है जो ग और ल अक्षों पर दो निर्देशांकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं एक चर में होने वाला परिवर्तन दूसरे के संदर्भ में दर्शाया जाता है ये सामान्यतः वर्षा तापमान जनसंख्या वृद्धि उत्पादन इत्यादि संबंधी आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है लाइन ग्राफ नुक़ों के सिलसिलों को मिलाने वाला खींचा हुआ हमवार ख़त जिसका तयन एक्स और वाई दो महवरों पर दो महददों के ज़रिए किया जाता है एक मतगर की तब्दीली को दूसरे के हवाले से दिखाया जाता है इसे आमतौर पर बारिश दर्ज हरारत आबादी की नमो पैदावार वगैरह से मुतल आदाद शुमार ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिट्रेसी रेट रेशियो बिट्वीन द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एरिया साक्षरता दर किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या का अनुपात शरह ख्वानदगी किसी इलाके के ख्वानदा अफराद की तादाद और कुल आबादी के दरमियान तनासुब लिटरेट

हिंदुस्तान में मर्दम शुमारी हिंद 2001 हजार सात साल या इससे ज्यादा का कोई भी फर्द जो किसी भी जबान में समझने के साथ साथ लिख और पढ़ सकता हो लिथोस्फेयर द क्रॉस्ट एंड द अपरमेंटल अब दस्थीनोस्फेयर इट हैज बिन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिथोस मीनिंग स्टोन एंड रिफर्स टू द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल के ऊपर भूपरपटी एवं ऊपरी मैंटल ये ग्रीक शब्द लिथोस से लिया गया है जिसका अर्थ है पत्थर और जो पृथ्वी के ठोस भाग से संबंधित है कुर्रे हिजरी जेरी कशरी कुर्रे की ऊपरी परत और खिलाफ ये यूनानी लफ्ज लिथोस से माखूज है जिसके मानी पत्थर है और जो जमीन के ठोस हिस्से को जाहिर करता है लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट लार्ज सेगमेंट्स और प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फेरिक पार्ट्स दैट आर सेपरेटेड बाय डीप फॉल्ट जोनस एंड आर फ्लोटिंग ऑन द एस्थीनोस्फेयर स्थलमंडलीय अथवा विवर्तनिक प्लेट पृथ्वी की भूपरपटी के विशाल भाग खंड या प्लेट जिनमें महाद्वीपीय और सागरीय स्थलमंडलीय भाग सम्मिलित हैं और जो गहरे भ्रंश क्षेत्र द्वारा अलग होते हैं तथा दुर्बलता मंडल पर प्लवमान तैरते या उतराते हैं कुर्रे हिजरी या साख्तमानी प्लेट आज़मी और बहरे आजमी हिस्सों पर मुश्तमिल कशरे अर्ज का बहुत बड़ा टुकड़ा या प्लेट जो गहरी दरारी मुंतकों से जुदा किया गया हो और जीरे कशरी कुर्रे के ऊपर तैर रहा हो एस्थिनोस्फियर पेज सेवेंटी फोर लोम अ टाइप ऑफ सॉयल बिटवीन सैंड एंड क्ले इट इज रिच इन ह्यूमस ड्रेन्स इज़ीली एंड रिटेन सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ दुमट बालू और चिकनी मिट्टी के बीच की मृदा का एक प्रकार यह ह्यूमस से परिपूर्ण होती है जल आसानी से प्रवाहित होता है और पौधे की वृद्धि के लिए पर्याप्त आर्द्रता रखती है दोमट रेत और चिकनी मिट्टी के दरमियान एक किस्म की मिट्टी इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है आसानी से सैराब हो जाती है और पौधों की नशो के लिए इसमें काफी नमी होती है लोकल टाइम इट इज द टाइम ऑफ अ गिवन प्लेस डिटर्मिंड बाय मिडडे सन स्थानीय समय किसी स्थान का समय जो मध्यान्ह सूर्य द्वारा निर्धारित होता है मकामी वक्त ये किसी दिए गए मकाम का वो वक्त है जिसका ताययन दोपहर के सूरज से किया जाता है लोकल विंड Winds blowing only ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग अ of पीरियड ऑफ द डे और इन अ स्मॉल एरिया example लैंड एंड सी ब्रीज लू स्थानीय पवन किसी लघु क्षेत्र में दिन की किसी विशेष समयावधि में या वर्ष में प्रवाहित होने वाली पवन जैसे स्थल एवं जल समीर लू मकामी हवा वो हवाए जो छोटे इलाके में दिन या साल के किसी खास वक्त में चलती हैं मसलन नसीम बर्री नसीम बहरी और लू लोएस अ फाइन ग्रेन येलोइश डस्ट ब्रॉट विंड्स एंड डिपोजिटेड इन सेंट्रल यूरोप रशिया एंड चाइना द सॉइल्स डिराइव फ्रॉम द लोएस आर वेरी फर्टाइल बीइंग सॉफ्ट एंड पोरस दे कैन बी इजीली इरोडेड लोएस पवन द्वारा लाई गई सूक्ष्म कणिक पीली धूली जो मध्य यूरोप रूस तथा चीन में निक्षेपित है लोएस से निर्मित मृदा बहुत उपजाऊ होती है कोमल तथा सरंध्र होने के कारण ये आसानी से अपर्दित हो सकती है लोएस हवा के जरिए लाई गई बारीक जरात की जर्द धूल जो वस्त यूरोप रूस और चीन में जमा होती है लोइस से बनी मिट्टी काफी जरखेज होती है नर्म और मसानदार होने की वजह से इनका कटाव आसानी से हो जाता है लोड्स मिनरल डिपॉजिट्स ऑक्यूपाइंग सीम्स क्रैक्स एंड फॉल्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉफिक रॉक्स दीज व फॉर्म्ड विन हॉट गैसेज एज लिक्विड्स व ट्रैप्ड इन साइड एंड व कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड शिरा निक्षेप आग्नेय तथा कायांतरित शैलों के संस्तर दरारों तथा भ्रंशों में स्थित खनिज निक्षेप इनका निर्माण तब होता है जब ऊष्ण गैस अथवा तरल इनके अंदर फंसकर ठंडी होती है और जम जाती है मादनी रगे मुतगैयरा और आतिशफशानी चट्टानों के जोड़ों दरारों और शिगाफ़ों में वाक़ मादनी रसूब इनकी तश्कील उस वक्त हुई थी जब गर्म गैसें सयाल की तरह अंदर फंस ठंडी हो गई और जम गई थी लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फिस ईस्ट ओ वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन जीरो डिग्री और ग्रीनिच मेरिडियन इट इंटरसेक्ट्स ऑल पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल्स देशांतर प्रमुख याम्योत्तर शून्य डिग्री या ग्रनिच याम्योत्तर के पूर्व अथवा पश्चिम पृथ्वी के धरातल पर किसी स्थान की कोणीय दूरी ये सभी अक्षांश वृत्तों को सम कोण पर काटती है टूलुल बलद कत निहार, सिफर डिग्री या ग्रीनविच से मशरक़ या मगरिब में सतह जमीन पर किसी नुक्ते की जावियाई दूरी बलत के तमाम मोतावाजियों पर जाविया कायमा बनाता है लू लोकल नेम फॉर वेरी हॉट ड्राई एंड गस्टी विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे इन समर ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लू उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली एक अति उष्ण शुष्क तथा झोंकेदार पवन का स्थानीय नाम लू शुमाल और शुमाल मगरबी हिंद में गर्मी के मौसम में चलने वाली बहुत गर्म खुश्क और तेज तुंद हवा लंबरिंग अ बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ कटिंग टिम्बर इन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग एसोसिएटेड एक्टिविटीज सच एज लॉगिंग स्प्लिटिंग एंड हॉलिंग लकड़ी काटना काष्ठकर्तन जंगलों में लकड़ी काटने का मूल व्यवसाय जिनमें इससे संबंधित क्रियाएं जैसे लट्ठे काटना चीरना तथा ढुलाई सम्मिलित होते हैं चौबकारी जंगलात में लकड़ी काटने का बुनियादी पेशा जिसमें लट्ठे बनाना चीरना फाड़ना और जहाज पर चढ़ाना शामिल है लेटर एल Of Trilingual Dictionary of Geography for Schools ends here. Read by Neeraj Yadav and Sumbul Shakil. You were just listening to this presentation. Project Coordination Rajesh Nimesh. Subject Coordination Professor Savita Sinha. Project Advice Dr. Bharti Kaushik. Technical Coordination Bati Lingdo. Framework Advice Ajit Horo. Assistance in Production kusum lata produced and directed by vandana arimardan and this presentation is brought to you by ciet ncert new delhi india